तो मित्रों यार क्या हाल चाल आप सभी के। यार मैं आ चुका हूँ फिर से आपको हंसाने। आप हंसते रहा करो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखो मित्रों, धन दौलत पैसा यार क्या चीज होती है, आप साफ साफ देख सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इसे देख कर यार दिल में एक ही बात आ रही है, कैसा ये इश्क है, गजब का रिस्क है। यार अंकल के लिए तो कुछ ज्यादा ही रिस्क है, जल्दी टपक जाएगा ये। अबे अंकल इस उम्र में इतना रिस्क नहीं लेते। दुल्हन की तरफ देखो यार, बहुत ही जाचनाएं नाचनाएं, यार क्या बोलते हैं, मतलब कि बहुत जबरदस्ती हो रही है एक हिसाब से। और यहाँ पर देखो मित्रों, ये रस्म नेपाल की है। यहाँ पर यार चुनरी के नीचे दूल्हा और दुल्हन को ढक दिया गया है। इसे देखकर यार मुझे आज की टू फिल्म की याद आ गई। शुक्र है कि यह रस्म हमारे इंडिया में नहीं होती, यहाँ पर होती तो लोग यार नीचे आंख मटका करने लग जाते। अरे अरे ये क्या करने लग गए, मैं यहाँ अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ और ये यार हाथापाई पर उतरा है। देखो यार चुनरी के नीचे कैसे हाथापाई चल रही है यार, आए तो तारा ररा हो जाएगी यार, लाला लाला हो जाएगी मंडप के बीच। अरे लोगों दोनों को मिल बांट के चीज देते, लेकिन नहीं यार इन्होंने दोनों को एक ही चीज दे दी, जिसके कारण हाथापाई हो गई। और देखो यार बच्चों की तरह कैसे डमाडम की जा रही है। वैसे यार ये चुनरी वाली रस्म हमारे इंडिया में भी आनी चाहिए, अगर आप सहमत हैं तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। रहा नहीं जाता। और यहाँ पर देखो मित्रों, दूल्हा और दुल्हन के लिए गिफ्ट आया है। लगता है कि यार बहुत ही बढ़िया गिफ्ट होगा। जैसे दूल्हा और दुल्हन ने खोला, यार बीच से एक बच्चा निकलता है। मैंने यार देखा और सुना है कि यार बच्चा शादी के बाद होता है, लेकिन यार इन दोनों को तो गिफ्ट में ही मिल चुका है। मित्रों आसमान में उड़ गया रानी का कच्छा, मतलब कि यार रानी ब्रांड का कच्छा, आसमान में उड़ गया रानी का कच्छा, इन दूल्हा और दुल्हन को गिफ्ट में मिल चुका है बच्चा। अब मित्रों बहुत ही जल्द पहनेगा ये बच्चा रानी का कच्छा। और यहाँ पर देखो मित्रों, दुल्हन ने दूल्हे के पैर छुए और बोले कि दे मुझे आशीर्वाद, तब यार दूल्हे ने दे दिया, तब यार दुल्हन भी उसके पैर छूने लग गया, लेकिन दूल्हे को यार उसके पैर नहीं मिले। देखो यार कैसे खींचने लग गया। आंटी बोली कि मुन्ना रहने दे, लेकिन वो तो बोलता है कि आज मैं आशीर्वाद लेकर रहूंगा, चाहे यार जान देनी पड़ जाए। वैसे यार नेपाल में बहुत ही संस्कारी तरीके से शादी की जाती है, यानी कि पैरों को सर लगाकर आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ भी बहुत संस्कारी तरीके से शादी की जाती है, लेकिन कुछ लोग यार पैरों की जगह कहीं और ही हाथ लगा डालते हैं। और यहाँ पर देखो यार दुल्हन को रिश्तेदारों ने उठा लिया, तब यार दूल्हा चढ़ गया सोफे पर, बोलता है कि आज तो माला डालकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अबे आराम से माला डालने देते, लेकिन नहीं यार रिश्तेदारों को तो खेल खेलने थे। देखो यार उठा लिया दूल्हे को भी, जैसे यार दूल्हा ऊपर पहुंचा फिर से यार वही लफड़ा, यानी कि दुल्हन को पीछे कर दिया जाता है। साले मजाक बनाकर भड़वा समझे क्या? लेकिन यार दूल्हे की मेहनत रंग लाई और यार कर दी तारा ररा, यानी कि डाल दी माला। और यहाँ पर देखो मित्रों, ये बाजार आखिर कहाँ लगता है, यानी कि जिसके हाथ युवा यार पकड़ ली। यार अभी यार पता ढूंढो ये कहाँ होता है, मैं भी ढूंढूंगा, अगर आपको मिलता है तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। क्या सोच है रे तेरी? अबे जाओ जाओ सिल्वर कलर घोल के लाओ और लगा दो इसके चेहरे पर, ऐसा लगे सूरज के साथ साथ चांद भी निकल आया हो, बिल्कुल यार चमक पड़ेगी सिल्वर कलर के साथ। अरे कैमरामैन को बोल दे कि एक्सपोजर बढ़ा ले, लेकिन नहीं यार इसको चेहरा ही सफेद करना है, वो भी यार वाल पुट्टी लगा करके, आधा आधा किलो मेकअप चढ़ जाएगा, फिर भी यार इसको रोशनी कम ही लगेगी। और यहाँ पर देखो मित्रों, दुल्हन बिल्कुल सुशीली है, लगता है कि इसका दूल्हा भी बहुत ही सुशीला होगा। देखो यार गेस्ट स्टेज के पास की मेरा सुशीला दूल्हा आएगा, देखो देखो अबे अबे ये कैसा दूल्हा है यार, इसकी तो सरकारी नौकरी लगती है। पैसा, पैसा, पैसा। ये दुल्हन यही बोलती होगी कि चाहे सैया हो ऐसा वैसा, लेकिन मुझे तो चाहिए उसका पैसा, पैसा ही पैसा होगा। तो चलो यार मित्रों, आप हमेशा हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का, सब्सक्राइब बटन को काला करो, उखाड़ फेंको।